हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन रूफ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल भी एक वीडियो डाली थी, अभी तक के यूपी में पीजीटी और टीजीटी में जितने भी हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हम लोग एक सुपर फास्ट तरीके से वीडियोस बना रहे हैं। और पेपर में जाने से पहले आप लोगों को आए हुए क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करना चाहिए। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो इसके लिए फेमस है माघ, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको याद रखना, सिंगल सिंगल भी इनको याद रखना है। जैसे उपमा के लिए कालिदास, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, पद लालित्य के लिए दंडी, और अर्थ गौरव के लिए किसको माना जाता है? भारवी को फेमस माना जाता है। और तीनों गुणों को अगर पूछता है तो देन माघ इसके लिए फेमस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है? तो शिशुपाल वध जो है वो किसकी रचना है? माघ की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। शिशुपाल वध इम्पोर्टेंट इनकी बुक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये भी किसके लिए हुआ है? माघ के द्वारा, ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, काव्यदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काव्यदर्श एक काव्य से रिलेटेड, मतलब एक तरीके का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, काव्य से रिलेटेड इसमें सारी बातें बताई गई हैं। तो इसमें है, इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि काव्यदर्श। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो दंडी की रचना इसमें से होगी ऑप्शन द से दंडी। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे इसके भी फ्रंट में द आता है, पहला जो वर्ण है, और इसकी रचना में भी पहला द है, तो दश कुमार चरितम, आप इस तरीके से ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? हमने अभी बताया था कि काव्य शास्त्र से रिलेटेड ये ग्रंथ है, इसका नाम है काव्य दर्श। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट इसको भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन हैं? तो देखो दंडी की हमारे पास दो तीन बुकें आ चुके हैं, तो कला परिच्छेद भी आपको याद रखना है। तो कला परिच्छेद के हैं दंडी, तो अभी हमने दो तीन बुक्स आपको बताई हैं, तो दंडी को याद रखना है। काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकरान प्रचक्षते किसकी, किसने कहा है? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक वो है, इनकी पंक्ति है, इसको कई बार नेट में भी पूछा गया है, इसका आंसर होगा डी, यानी कि दंडी। काव्य का शोभा क्रांत धर्मान अलंकरण प्रचक्षते का मतलब है, इन्होंने बताया है इस पंक्ति के थ्रू कि काव्य का जो शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है वो इन्होंने अलंकार को माना है। तो आपको इस पंक्ति को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, पीजीटी में भी पूछा है ये बहुत बार, 13 में, अभी 18 में भी पूछा है इसको, और इसको नेट में भी कई बार पूछा है, तो इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो काव्य प्रकाश के कौन है, जैसे याद रखना है मम्मट, तो इसके हो जाएगा काव्य प्रकाश किसके ग्रंथ, किने लिखा है? मम्मट ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी बार नेट में तो पता ही नहीं कितनी बार पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे जो वर्ल्ड है, विश्व का मतलब होता है वर्ल्ड पूरा, है ना, वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो विश्व में क्या है, पूरे में रस है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि विश्वनाथ ने लिखा है। विश्व में क्या आता है, पूरा एक रस आता है, है ना, इसी प्रकार से काव्य में भी रस आता है, किसके काव्य में रस आता है, विश्वनाथ के। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रस अपकर्षका दोषहा, तो ये भी पंक्ति किसकी है, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, यानी कि विश्वनाथ की। तो दोनों आपको पंक्तियाँ इनकी याद रखनी है, कि एक तो वाक्यम रसात्मक काव्यम हो गया कि विश्व में पूरे में क्या आता है, एक रस आता है, और एक हो गया रस अपकर्षका दोषहा, कि रस में कुछ अपकर्ष मिला के भी दोष बनता है, तो ये हो गया विश्वनाथ की पंक्ति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये है कि सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजने सहते कर्मेण तेन वृत्ति व्यक्रम विनिगदते यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो इसका आंसर जो होगा वो भी होगा बी, इन्होंने बताया है कि आप जो स्वर व्यंजन है, कि एक ही स्वर या व्यंजन जो दो बार रिपीट हो रहा है, उसमें क्या कि कर्मेण तेन वृत्तिकम विनिगदते, इसका मतलब हो जाएगा कि उसमें
एक ही शब्द का एक ही मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, एक ही शब्द के दो मीनिंग होते हैं, तब वो क्या होता है, यमक अलंकार होता है। और यमक का हमें पता भी है कि जैसे कनक कनकते मादकता अधिकाई, ये इसका स्पेशल एग्जाम्पल माना जाता है। तो इसमें जो ये कनक कनक होता है तो दोनों के ही इसमें अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे एक का होता है सोना और एक का होता है दतुरा। तो इस तरीके से आपको यमक का भी एग्जाम्पल याद रखना है। तो ये जो पंक्ति है, जैसे सत्यार्थे प्रित गर्ताया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण, इसमें इन्होंने पूरा इसकी डेफिनेशन दी है संस्कृत के अंदर। तो विश्वनाथ की ये पंक्ति आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काव्य मीमांसा के जो रचनाकार है वो कौन है, काव्य मीमांसा के हैं राजशेखर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सट्टक, सट्टक क्या है, सट्टक जो है एक प्रकार का नाटक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सट्टक क्या है, एक प्रकार का नाटक है, संस्कृत में चलते हैं बेसिकली इस तरीके के जो नाटक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये क्वेश्चन तो मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत करवाया है और इसमें भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो इसका देख लेते हैं। उपमा के लिए कालिदास, मैंने ये भी बताया है। करुणा के लिए भवभूति, बिल्कुल उन्होंने करुणा को रस राज भी बोला है, ये भी हमें याद रखना है। अलंकार के लिए भामा, बिल्कुल। और वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र को नहीं कुंतक को जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके ऑप्शंस को याद कर लेना है क्योंकि कई बार सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है, तो रमणीयार्थ प्रतिपादक है ये दी है जगन्नाथ ने। देखो हमने एक याद की थी विश्वनाथ की, तो विश्वनाथ की जो है काव्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि वर्ल्ड में अगर हमें रस मिलता है तो वो वाक्यम रसात्मक काव्यम थी, लेकिन अगर जगत में, जगन्नाथ का मतलब जगत लगा लो, जगत में रमणीय मतलब कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, रमणीय होती हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा इसको याद कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र किसने बताया है, तो ये जो आंसर है इसका जो होगा आचार्य वामन ने। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, तो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले गुण हैं, ये जो पंक्ति किसने दी है, आचार्य वामन ने दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो रीति संप्रदाय से जो रिलेटेड है बहुत बार क्वेश्चन नेट में टीजीटी में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना, काव्य अलंकार सूत्र। तो काव्य अलंकार सूत्र किसके द्वारा लिखा गया, बेसिकली बामा के द्वारा लिखा गया, ये भी याद रखना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, सॉरी काव्य अलंकार सूत्र जो है वो भामा के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसको आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए किसके द्वारा लिखा गया रीति संप्रदाय को। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है, आचार्य वामन, उन्होंने रीति संप्रदाय को मतलब कि एक तरीके से प्रवर्तक का मतलब होता है वही इसके इन्वेस्टिगेटर हैं, तो आपको इसको याद रखना है, रीति पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य बामा है, ये भी याद रखना है। अलंकार का पूछता है तो बामा है और रीति का पूछता है तो वो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया है ना, तो आपको रीति का याद रखना है वामन है, और जबकि जो अगर अलंकार का पूछता है तो बामा है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।